फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। होप यू आप सब अच्छे से होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपना नया वार्डरोब विद ड्रेसिंग टेबल। तो चलिए देखते हैं वार्डरोब। फ्रेंड्स, ये है मेरा नया वार्डरोब, पीछे से दिखा दे रही हूँ आपको। ये इसके अपर साइड, मैं पहले बाहर से आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं अंदर से दिखाती हूँ। ये अपर साइड, ये है ड्रेसिंग टेबल। ये आपने इसको देख लिया, इसका ऊपर से व्यू मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको पहले ड्रेसिंग टेबल दिखाती हूँ। ये यहाँ पर लगी हुई है लाइट, इसका कनेक्शन अभी मैंने किया नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी मैंने अपना घर पूरी तरीके से सेट नहीं किया है। अब मैं इसके अंदर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से रॉड लगी हुई है बैंगल्स के लिए, यहाँ भी बैंगल्स रखने के लिए दिया हुआ है, और इस तरीके से स्टोरेज है अंदर। बैंगल्स रखने के लिए है और यहाँ थ्री स्पेस दिया हुआ है। वन ड्रॉ, सेकेंड ड्रॉ, थर्ड ड्रॉ, तीन ड्रॉज हैं और वन मैंने ऐसे कैबिन बनवाया है। ये कैबिनेट बनवाया मैंने, तो ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। और अब आते हैं वार्डरोब की तरफ। तो ये खुला मेरा वार्डरोब, यहाँ पर हैंग करने के लिए रॉड लगी हुई है, शेल्फ है, ये डिटैचेबल है, इसको हम निकाल भी सकते हैं। नीचे ये छोटा सा लॉकर दिया हुआ है, लॉक ड्रॉ, सेकेंड ड्रॉ, यहाँ स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, दिस इज वन एंड अंडर दैट दिस इज द सेकेंड वन। अभी फ्रेंड्स, मैंने इसमें अपने कपड़े नहीं रखे हुए हैं, कोई सामान नहीं रखा हुआ है। पहले मैं आपको मैंने कहा था कि मैं ज़रूर दिखाऊंगी, इसलिए मैं ये शो कर रही हूँ आपको। पहले आप लोगों को दिखा दूंगी, फिर इसमें अपने सारे कपड़े रखूंगी। ये यहाँ पे भी हैंग करने के लिए रॉड दिया हुआ है, ये भी डिटैचेबल है, निकाल सकते हैं। और यहाँ पे वन टू थ्री फोर, ये ऐसे, ठीक है। ये दो, ये फोर,
और इसमें भी लॉक है और इसमें भी लॉक है। ये मैंने इसी तरीके का, मुझे पसंद था तो मैंने ऐसे ही ऑर्डर देके बनवाया है, क्योंकि मुझे ड्रॉज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है हर चीज़ को अलग अलग रखने के लिए। दिस इज़ द ड्रॉ, ये तीन ड्रॉ ऐसे ही नीचे हैं, सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। आपको फिर पूरा लुक दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, होप दैट कि आपको मेरा वार्डरोब पसंद आया। अगर आपको पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और हाँ, इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपके साथ अपना जो मैंने न्यू सोफ़ा परचेस किया है उसका भी वीडियो शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।